हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिक्चर में एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डाल्टन ने 1808 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर एटम्स से मिलकर बना होता है और जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। इसके साथ एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसमें आइडेंटिकल मास इंक्लूड होता है और जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है। इसके अलावा डाल्टन के अनुसार जो कंपाउंड होता है यानी कि यौगिक, उसका फॉर्मेशन डिफरेंट एलिमेंट के फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन से होता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ना तो यहाँ पे इन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं ना इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाल्टन थ्योरी थी यह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकती थी। नेक्स्ट हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डाल्टन की थ्योरी में देखा था कि जो एटम्स होता है वो इंडिविजुअल यानी कि अविभाज्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जो एटम होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स की फॉर्म में जानते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में की थी। और इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके प्रेशर को हाई पोटेंशियल पे 10^-6 एटमोस्फियरिक प्रेशर तक रिड्यूस किया और पाया कि जो कैथोड होता है उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ओरिजिनेट होता है और उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और जो यहाँ पे रेज एग्जिस्ट करती है उन्हें जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रेज कहा। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो कैथोड रेज होती है वो इनविजिबल होती हैं, लेकिन इनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंट मटीरियल के थ्रू। इसके अलावा जो टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब होती है वो भी कैथोड रेज ट्यूब ही होती है। इसके अलावा जहाँ अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट्स है तो वहाँ पे जो कैथोड रेज का बिहेवियर होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के जैसे होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और इसका मान 1.6×10^-19 कूलम होता है। और जो यह मान है वो मुलिकन नाम के व्यक्ति ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से दिया था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.11×10^-31 किलोग्राम होता है, जो कि जे.जे. थॉमसन द्वारा कैलकुलेट किया गया। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनमें से लाइटेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट ईएम रेशियो की बात करें तो जो ईएम रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का वो जे.जे. थॉमसन द्वारा दिया गया था और इसका मान 1.76×10^8 कूलाम पर ग्राम होता है। ईएम रेशियो की बात करें तो ये जो गैस और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ई. गोल्डस्टीन ने 1886 में गैस डिस्चार्ज में प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन के बारे में बताया और उसने उन्हें कैनाल रेज कहा। उसका मानना था कि जो ये रेडिएशन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन इसका साइन अपोजिट होता है और गोल्डस्टीन इसे नाम नहीं दे पाया था। लेकिन 1919 में रदरफोर्ड ने जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे प्रोटॉन कहा। इसके अलावा प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास 1.672×10^-27 किलोग्राम, जबकि इसका चार्ज 1.6×10^-19 कूलाम, जो कि पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 1932 में चैडविक ने बेरिलियम की जो पतली सीट होती है उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी से न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया। इसके साथ जो न्यूट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज जीरो होता है, जबकि इसका मास 1.674×10^-27 किलोग्राम, जो कि प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप्स एकमात्र ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जॉन डाल्टन को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ओरिजिनेटर कंसिडर किया जाता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोबेल गैसेस होती हैं उनके एटम्स को छोड़कर सभी एटम्स रिएक्टिव होते हैं। स्मॉलेस्ट एटम की बात करें तो वो हीलियम का होता है, जबकि लार्जेस्ट एटम सीजियम का होता है। एटम के एग्जिस्टेंस की बात करें तो
400 BC में इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने एटम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।